मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अबू अल्तमस फैजी को अब MIM पार्टी इस कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव में समर्थन करेगी। इसकी जानकारी आज MIM पार्टी के कलवा मुमरा अध्यक्ष रऊफ लारा ने सालवा होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। इस दौरान MIM के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर के मुद्दे जैसे स्लाटर हाउस, स्कूल, अस्पताल, उर्दू भवन, गर्ल हॉस्टल, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं जो इस शहर को अब तक नहीं मिल पाई हैं, ये शहर की अहम ज़रूरतें हैं और इन्हीं मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अबू अल्तमस फैजी को MIM पार्टी समर्थन कर रही है। वहीं एक तरफ रऊफ लाला ने भी कहा है कि MIM पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को खरीदने की कोशिश की गई। रऊफ लाला ने बताया कि उन्हें खुद ऑफर आए थे मगर MIM के साथ था और MIM के साथ रहूंगा। MIM उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने के बाद शहर में विकास के मुद्दे पर हमें सबसे बेहतर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अबू अल्तमस फैजी लगे, जिनकी साफ छवि है और MIM पार्टी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करेगी। अब एक तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अबू अल्तमस फैजी भी विकास की बात कर रहे हैं। जिस तरह से लोग आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे में अब NCP और शिवसेना की राहें आसान नहीं लग रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके MIM के कलवा मुमरा अध्यक्ष रऊफ लाला ने क्या जानकारी दी है। भाई असल में ये कि जितने बेचैन हम थे, मुस्तकिल तौर पे जो है हमारे युवा अध्यक्ष साहेब पठान मुस्तकिल इम्तियाज़ जलील साहब के टच में थे, शाह आलम भाई मुस्तकिल तौर पे इम्तियाज़ जलील साहब के टच में थे, मैं भी मुस्तकिल तौर पे फ़ोन कर रहा था, असद साहब को ईमेल किए, मैसेजेस किए। असल में मसला ये था, आपको बता दें कि दो जो स्टार प्रचारक है, अकबर साहब की तबीयत ख़राब होने की वजह से एक असद साहब और एक तरफ इम्तियाज़ जलील साहब। जब आज सुबह मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि रऊफ भाई मैं हेलीकॉप्टर से फिर रहा हूँ तब भी मैं सारी कॉन्स्टिट्यूंसी कवर नहीं कर पा रहा हूँ। मुस्तकिल तौर पर यहाँ भाग वहाँ भाग, ऐसा जो कम वक्त हमारे पास बचा है जिसकी वजह से, और उनका एक ये था कि जो उनका लेटर हेड वगैरह सारी चीज़ें जो थी वो औरंगाबाद के अंदर थी। जैसे ही वो औरंगाबाद पहुंचे हैं, कल रात में उन्होंने मैसेज दिया कि लेट नाइट हो जाए या अर्ली मॉर्निंग हो जाए आपको लेटर मिल जाएगा। और उसके बाद जो है जैसे ही उनको सहूलत मिली पहली फुर्सत के अंदर, जो है वो सिर्फ देरी जो हुई है उनकी मसरूफियत की वजह से देरी हुई है, वरना पहले दिन ही उन्होंने वर्बली मुझसे ये कह दिया था कि ठीक है मुमरा के लोगों ने जो तय किया, मजलिस ने जो तय किया है, हम लोग जो है उस फैसले को मानेंगे और अलहमदुल्ला फैसला माना गया। चुनाव में अब आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे अबू अल्तमस फैजी जो आपके उम्मीदवार है इनको आप कैसा पेश करेंगे और साथ में मजलिस का वजूद भी कैसा कायम रखेंगे? देखिए अभी अभी हम लोग बैठे थे तो अभी साहेब पठान ने एक बहुत अच्छी बात मुझसे कही कि हम लोग फौरी तौर पर कोशिश करेंगे शाम तक हम अपने पूरे कार्यकर्ताओं को एक जगह जमा करें, जो हमारे वेल विशर्स हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हम इंशाल्लाह अभी बैठ करिए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से फारिग होकर फौरी तौर पर जो है हम लोग सबसे कॉन्टेक्ट करके एक हॉल के अंदर अभी सबको जमा करेंगे और जमा करके जो है तमाम लोगों को हम जो है मोटिवेट करेंगे और उनको काम की दिशा देंगे। अभी हम फैजी साहब के साथ बैठेंगे, उनके वर्क करने का अंदाज क्या चल रहा है, वो किस तरह से उनकी प्लानिंग है वो हम बताएंगे, लेकिन हम MIM के वजूद को बरकरार रखते हुए हमारे अपने, क्योंकि हमने जैसे बताया क्लियर किया मैंने कि हमने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, हमने एक बाकिरदार ईमानदार शख्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम अपने झंडा बैनर हमारी जो पहचान है हमारी शनाख्त है हम उसको गुम ना करते हुए हम पूरी ताकत लगा के इंशाल्लाह उनको सपोर्ट करेंगे। एक आदमी धन्ना सेठ शहर के अंदर बैठा है जो पैसे भी दे रहा है डरा रहा है, उसके बावजूद भी मुमरा का मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पर हक बोल रहा है। मैं समझता हूँ उसने हमको हौसला दिया, उसने हमको हौसला दिया। क्या आपको भी कुछ ऐसा ऑफर मिला था क्या? बहुत सारे मतलब ऑफर अभी तक चल ही रहे। ऑफर किसने दिया? अभी देखिए वो तो अभी अभी क्या बताएं, मतलब जो अब वो जो नाम मतलब जो तो बता बोलने जाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे जितेंद्र अवार्ड। हाँ जितेंद्र अवार्ड से ही आप समझो ना यार, आप बोल रहे किन लोग जरिए वो छोड़ दीजिए। पैकेज की बात चल रही थी, पैकेज मिल रहा है सर को, क्या वो उसमें कितनी है? ऑफर बताइए ना आपको किसने ऑफर दिया। देखिए जितेंद्र अवार्ड की तरफ से मुस्तकिल तौर पे मतलब जो है हमको ऑफर आ रहे हैं, मेरे साथी भी बता सकते हैं उनको भी मतलब ऑफर आ रहे हैं, और कितने लोगों को आया? बहुत सारे लोगों को, अभी गिनती क्या बताएं तो तकरीबन हर किसी को टटोलने की कोशिश कर ही रहा है वो। आपको आप समर्थन कर रहे हैं तो आपके क्या क्या मुद्दे हैं जो उनको समर्थन कर रहे हो, किस मकसद से आप कर रहे हो, इसका कुछ वजह है? देखिए मैं आपको बताऊं, जितने वादे शहर से किए गए थे, देखिए तालीम के नाम पर
तालीम के नाम पर पूरे, आपको पता है 12 वार्ड से, सर मतलब जो है बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, 12 से 13 वार्ड से लोग बच्चे पैदल, गरीब घरों के बच्चे पैदल चल के एक स्कूल के अंदर आने के लिए मजबूर है। इसलिए आपको पता है म्युनिसिपैलिटी स्कूल में बस नहीं होती। इस शख्स ने, इस झूठे मक्कार शख्स ने ना हमको तालीम में आगे बढ़ने दिया और ना ही इसने हमको रोजगार में आगे बढ़ने दिया, इसलिए कि ये आरएसएस का एजेंडा लेकर चलता है। मैं स्टेज पे सबूत के साथ इंशाल्लाह पेश करूं। हमारा प्रमुख मुद्दा होगा कि झूठे विकास को लात मारना है और जो सच्चा इस शहर का विकास के लिए जो तरस रहा है, पानी के लिए तरस रहा है, एजुकेशन के लिए तरस रहा है, लाइट के लिए तरस रहे हम, रोजगार के लिए तरस रहे हम, हजारों करोड़ों का हमारा नुकसान कर दिया गया, 30-30 साल की दुकानें तोड़ के फेंक दी गई, रोजगार से हमको वंचित कर दिया गया, आज जो है हमारे शहर के अंदर जो है आपस में सबसे बड़ा भाईचारा खत्म कर दिया इसने, इसने भाई को भाई से लड़ा दिया, एक दूसरे को एक दूसरे के सामने खड़े कर दिया। हमारे शहर के अंदर कभी भी फिरकावाराना फसाद करा देगा ये आपस के अंदर, इतना जहर जो शहर में घोला है इन चीजों को, मतलब आज हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आज फर्जी के सामने फैजी खड़ा है, आज फर्जी के सामने फैजी खड़ा है, फर्जी को हटाना है और फैजी को लाना है, आज नशेड़ियों के सामने एक शराफत वाला ईमानदार आदमी खड़ा है, एक शैतान के सामने एक नमाजी परहेजगार इंसान खड़ा है, आज तो मुमरा के लोगों की परख का इम्तिहान है, लोगों की सोच का इम्तिहान है कि वो किसका साथ देंगे, एक पढ़े लिखे शरीफ का या एक घमंडी गरार शराबी जानी का, किसका साथ देंगे मुमरा के लोगों तय करना है। तो आपने सुना कि रऊफ लाला ने बताया किस तरह से उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, जो शहर के विकास हैं, अब उन मुद्दों पर ये चुनावी जंग हो रही है। कहीं ना कहीं अब एनसीपी और शिवसेना आम आदमी पार्टी में ये मुकाबला माना जा रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।